मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए चंदा अभियान चला रही है, जिसमें विधायक से लेकर सांसद और मंत्री भी चंदा मांग रहे हैं। चुनाव से पहले रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने और पार्टी के लिए फंड जुटाने के मकसद से भाजपा ने इस बार 46 करोड़ रुपए का फंड जमा करने का टारगेट रखा है। मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन हर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। इसी के तहत सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए अभियान का आगाज कर दिया। पार्टी के लिए फंड जुटाने की खातिर बीजेपी ने मंत्री, विधायकों से लेकर सांसदों तक को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि पार्टी का मकसद जमीनी कार्यकर्ताओं को इस मुहिम से जोड़ना है। पार्टी इसके लिए 500,000 और 2,000 के कूपन बेचेगी। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री आम लोगों से चंदा लेकर लोगों को कूपन की पर्ची देंगे। भाजपा ने इस अभियान का नाम अर्थ संग्रह रखा है। इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए बीजेपी सांसद आलोक संजर भी मैदान में उतरे और दुकानदारों से चंदा मांगते हुए नजर आए। वह दुकानदारों के पास पहुंचे और उनसे चंदा लिया। चंदे के लिए उन्हें पर्ची भी दी गई। सांसद आलोक संजर ने इस दौरान बताया कि पार्टी ने चंदे के लिए 500,000 और 2,000 रुपए की पर्ची यानी कूपन दिए हैं। हम सभी व्यापारी बंधुओं से, समाज के सभी प्रबुद्ध जन से हम आग्रह कर रहे हैं कि वस्तुतः ये चंदा नहीं है, ये सहयोग निधि है और भविष्य में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वो विधानसभा का चुनाव इस सहयोग निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये सिर्फ सहयोग नहीं है, ये वस्तुतः समर्थन भी है। और आपके माध्यम से हम यही ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जनहितार्थ काम किए, जनहितेशी काम किए हैं, वो काम परमात्मा उनसे और करवाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग निधि दी है 2,000 रुपये की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित हैं जी, देश के हित में काम है। चुनावी चंदा वसूली के जरिए भाजपा ने हर विधानसभा से 20 लाख रुपए का चंदा वसूलने का लक्ष्य तय किया है। यह राशि आगामी विधानसभा चुनाव में खर्च की जाएगी। कुल मिलाकर भाजपा चंदा वसूली करके चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।